घसेरी का सभी दगड़ियों खुणी धर्मेंद्र पंत को प्रणाम। दगड़ियों, आपने घसेरी में अब तक माधव सिंह भंडारी, रिखोला लोदी, कप्फू चौहान, गड्डू सुम्याल और काला भंडारी जैसे वीर भड़ों की कहानियां सुनी होंगी। इसी क्रम में आज हम आपको सुना रहे हैं रणु रौत की कहानी, जो कि पवाड़ों पर आधारित है। जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि गढ़वाल में और कुमाऊं में वीर भड़ों के पवाड़े गाए जाते हैं और इन्हीं पवाड़ों में कई वीर भड़ों की कहानियां छुपी हैं और इनमें रणु रौत भी शामिल है। तो फिर देर किस बात की, सुनते हैं कहानी। लेकिन उससे पहले इसे लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि इस तरह की कहानियों को जीवंत करना बेहद जरूरी है। और हाँ, अगर आपने अभी तक उत्तराखंड का यह खास चैनल घसेरी सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाकर और उसके बाद आने वाली घंटी को दबाकर इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो करें, जिसके लिंक हमने नीचे दिए हैं। तो फिर अब सुनते हैं कहानी रणु रौत की। पवाड़ों में बुले जांद की यह कहानी वे टाइम की च जब गढ़वाल का राजा प्रीतम शाह छाए। प्रीतम शाह राजा ललित शाह का चार नौनों मा सबसे छोटा छाए। उनका भैजी प्रद्युमन शाह ने 1797 से 1804 तक राज कहे छे। और वही टाइम पर देहरादून भैरी बिटी कुछ आक्रमणकारियों ने कब्जा कह दे छे। यान हम बोल सकता हूँ कि रणु रौत की यह कहानी आज से 200 से भी अधिक वर्ष पुरानी। रणु रौत कुलावाली कोट में रहंद छो, बड़ू रणसूर छो रणु रौत। और वो वीर हो भितकिले न हो, वे का दादाजी हिमा रौत और बुबाजी भीमा रौत भीत वीर छाए। रणु रौत को डबरियाल माथो और खकरियाल जोंग छाए। लंबू चौड़ू छो रणु रौत, वे का हथ बल घुंडो तक पहुँच छाए। वे की फिल्ली मुंगराजन छे, डर नौ की चीज तो जण दुई नी छो रणु रौत। यनु छौ रणु रौत जय की कहानी आज तुम सुन वाला छो। वही टाइम पर माल प्रदेश यानी देहरादून पहुंच गए न भैर बिटी कुछ हमलावर। कोई बुदिन कि ये मुस्लिम आक्रमणकारी छाए। तौन श्रीनगर राजा खुणी एक कागली यानी चिट्ठी भेज। वही चिट्ठी रू खसू का बोल लिखा छाए। वही चिट्ठी में लिखूं छो कि चुपचाप हमारा अधीन हो जावा, नथर हमन माल प्रदेश में मार काट मचे देन। राजन अपनी कछड़ी लगे दे। राजन बोली कि क्या हमारा गढ़वाल में कोई इनो वीर भड़ इन माल होलू जो यूं भैर का माल उठे जीत की आलू। वही कछड़ी में बैठ्यू छो रणु रौत कु मम्मा छीलू भिमालिया। वैन बोली इन माल तो कुला वाली कोटम च मेरो भणजू अर भीमा रौत कु नौनु रणु रौत। वे का दादा अरबु बन भी ये देश की सेवा कैरी तो वो भी कारलू। राजन बोली अच्छा उजीत साकल यूं भैरु का माल थे। तब छीलू भिमालिया ने बोली महाराज रणु रौत वीर मुख वीर छ। वेम मर खोलिया भैंसा और चौ सिंगिया खाडू छन, म्यारो भणजू छो वो जरूर यूं भैर को माल थे जीत की आलू। राजन बोली तो फिर देर क्या है की जट से बुलावा रणु रौत थे और फट से भेजो धूण। राजन रणु रौत खूनी कागदी लेखी। राजन लेखी मिन सुनी कि तू बहुत बांका भड़ छे, अभी देश थे तेरी जरूरत छ, तू फट से एक पहुंच बस इतगा जल्दी कि तू भात खे तख और हाथ धोए इक। दूत कागदी लेके पहुंच गए रणु रौत का पास।
रणु रौतन कागली पैड़ी तो अपना सिर जन मोच पर हाथ पेरी। वो एक ही जिकुड़ी धड़कन बैठ गए, हाथों की मुसली बबलान बैठ गए। वे टाइम पर वे की बुई और बौराणी भीमला धान धंधा का नौ जई छे। वैन ऊँ थे धे लगे। वैन बोली, मी कुरे बार यूच मिन लड़े लड़नो माल दूण जान, झट से ऐ की मी खुणी निरपणी खीर बनो। अभी तक कुछ मैं न पहली तू उनको ब्यो हुई छो, नई नई माया छे पर तनम रणु रौत थे लड़े पर जान पोड़नू छो। कह भी जनानी की तरह भीमला भी डारी से अलसी गे। वीन देवी झारी मारी को सुमरण कैरी और बोली, हे मेरी देवी म्यारा घर वाले की रख सकेरी। रणु रौतन अपनी बुए और बौराणी समझी कि बीर का भी पिछने नहीं हटो दू। वे की बुएन बोली, जा मेरा बीर तू तो मालू को माल छे, जा ऊ भैरु का माल उठे मारी की ओ। निरपणी खीर खे की रणु रौत पहुंच गए श्रीनगर। राजा को आदेश पे की रणु रौत चली गए माल का दूण। वेन देखी कि जो अब थे माल बताना छन ऊ थे तो चुंडकी देख मारी दियाल। रणु रौतन हुंकार भरी, अपनी तलवार निकाली और पहुंच गए दुश्मनों का बीच। उखी जय की वेन मुंडू को चौरा लगे दीन। वेन वो केला जन कचे नर गोदड़ा जन फाड़ी दीन। वे कसमणी कोई टिक्की नहीं साक, जो बचा रहे न वो भाग गए। रणु रौत जीत गए, वो बहुत खुश छ। पर इन्हें वे का घोर में कुछ और ही कांड हुए गे। वे का मम्मा छीलू भीमलिया को नौ नुछाई झंकरू। वो रानियों को रसिया और फूलू को हौसिया छाई। रणु रौत की बौराणी वे की बौ लगी दी छे। वो भीमला थे पहली बिटी चांद छो और वेन सोच कि यो तो अच्छु मौका छ भीमला थे पाणो। किले वे थे लगु छो कि रणु रौतन दूण परदेश बिटी ज्यूंदी नहीं आ सकुण। झंकरू ऐगे रणु रौत का गांव और पहुंच गए भीमला का समिणी। वेन सेवा सौल कही और फिर रोण बैठ गए। वेन बोली, बहू तेरू के होलू मेरू दात तू माल का दोण मरेगे। भीमला थे विश्वास नहीं हुए। वेन बोली, इन हो ही नहीं सकुत, ऊ क्षणिक भी नहीं मार सकुत, जंकरू कख पिछने रहण वाल छो। वे की नजर त भीमला पर लगी छे। वेन बोल, बहू मैं सच बुनू छो, मैं दादू की गति कने के बाद इख ओ। भीमला अरविंक सासु खुणी रूणी धोनी होए गए। भीमला बुद, तुम चल गयो मिन कह कसार रहन, अब कु देखो लुमी थे अब। झंकरू ऊ थे चुप कराणो राय। वेन कुछ दिन बाद मौका देखी बोली, असली भैत मम्मा अर फूफ कह नौ न हुदिन, मी भी दिदा जन बीरी छो। मिन आज बिटी दिदा के पलंगम सीण और दादू की थालम खाण। भीमला गुस्सा हो गए। वीन बोल, एक दाम बोल आल तीन दुबारा न बोल, तो सुन ले टक लगे कि शेर का खटुलम स्याल नी सींदा और अपना स्वामी की थालम मैं कुत्तों थे नी जिमान दू। तब सा सुन भी बुआरी मनई कि तेरु कोच अग्नय सरी जनी पड़ींच तेरी, झंकुरु जन बुनूच तू मानी जा, तू दूसरी धार चली जा। आखिर भीमला मान गए, झंकुरु खुश हो गए। वने माल का दूण बिटी लौट दाऊ रणु रौत थे सुपनिया हो गए। वे का सुपनिया में झाली माली देवी आई। वीन बोली, झटपट उठ और घोर जा, तेरा कुला वाली कोट में एक चोर है गे। रणु रौतन देर नी कैरी अपना घर पहुंचणम। रात को टाइम पहुंच गए अपना चौकम। वे कु जुत्तों को खबड़ाट और घोड़ों को खकराण सुनी की
जंकुरु समझ गए कि रणु रौत पहुँच गए घर, जंकुरु कौपण बैठ गए, वो भगवान को सुमिरण कन बैठ गए। वो बुद्ध, मेरी बहू भिमला, आज तुम इथे बचे दे, पाप मेरु कयूच पर तेरु भी कयूच। भिमला बुद्ध, तू तो पापी छे और तीन मी भी पापी बने दियो, तेरु तो नाश हूं चैंद। पर तब भी भिमला यने वने देख दे और झंकुर से एक बड़ा बक्सूंद लुके दीन। एक बात भिमला भैर एक चले तिरकत, तुम पहुंच गयो मेरे स्वामी जी। रणु रौत बुद्ध, मैं बहुत बुकी छो मेरी रानी, मी खुणी तू निरपणी की खीर बनो। अब भिमला कार्त क्या कार, दही दूत झंकरू खे गए छे और घोरम बची छे छाछ। भिमला रणु रौत खुणी छचिया बने दीन। वीन जनी रणु थे खानो देई तो वे थे देखी चिड़े गे। वेन बोली, मैं माल का दोन बेटी थकी के आणु छो और तुम्हें थे खट्टू भोजन करानी छे। झंकरू वे को गुस्सा देखी कौपण बैठ गे, बक्सा हिलन बैठ गे। रणु रौतुन भिमला खूनी बोली, ये बक्सा उन क्या आज। वीन बोली, बिरल रखींच मेरी उख, वही तो दूध पे गे छो। झंकरू भी वीं बात सुनी की भितर बिटी म्याऊ कद। रणुन बोल, भैर निकालो थे। रणु जोर से बक्सा पर लती मर्द तो भैर आ जांद झंकरू। वो बागी की उबरा लुकी जांद जकी वे की फूप रेंदी छो। वो वहीं का खुटाम पोड़ी जांद अरबुद, मी थे बचाओ दे दीदा से। वे की फूपू वे थे लुको दींद। रणु रोत परत बबराट मच गए छो। वो अपनी बोए का पास जांद अरबुद, वही बतो मेरी जनानी को जार कक्ष, मिन अभी वे का टुकड़ा टुकड़ा कनी। वे की बोएन बोल, मेरा रणु वो इखनी है, पर तू गुस्सा न कर, एक जनानी का खातर तू अपन भय थे न मार, और भय का खातर अपन जनानी भी न मार। तेरी असली बौरांत रानी सूसलच जय दगड़ तेरा बाबा की तेरी मंगनी कहीं छे। अर तैं कु ब्यो आज मेरे को कलुनी दगड़ होनू, वो वही कु डोला ली जानूच। अपनी बुए की बात सुनी की रणु रौतन बोली, तिन पहल मीम किले नी बोल, अमिन मेरे को कलुनी जूंद नी छोड़नो। झंकुरु भी भय रह गए। अरवेन बोली, दीदा हम दुया भय जाऊला और मेघ कलुण थे मार की औला। मेघ कलुण की दिवाली खाल बरात सजी छे। उख पहुंच गेन रणु रौत और झंकुरु, ऊन सब भी बराती मार देन, पर मेघ कलुणी एक बोटगा प्याट लुकी गे। रणु रौत रानी सिंहसला का डोला थे लेकी अपना घर पैठ गे। मेघ कलुणी ऊका पिछड़ी लग्यू छो, रस्तम दियो थे थौक लग तो सुस्तान बैठ गेन। मेघ कलुणी थे ऊथे दुबणुई छो। वेन लुकी की ऊ फरवार कैरी अर रणु अर झंकुरु दियो थे की मार दे। एक बाद मेघ जोच सिंहसला का पास औंद अर वहीं का डोला पर लत्ती मर्द। अब सिंहसला कार्त क्या कार, वीन मेघ कलुण सनी बोली, मी थे तो कोई रंत रह बारी नी छो, जनी ए आय छिन वनी मोर विगेन। मेरा सिर का भरता तो तुम ही छो, पर अधर्म नकारा और यूं दुयो की गति कह दियावा, यूं थे मुक्ति दे दियावा। मेघुन वहीं की बात मानी और गदना का छाल ऊं की चित्ता रचे। स्यू सवन यने वने देखी अर झट से रणु रौत की चितमा फाल मार की सती हुई गई। मेघ कलुणी की समझ में कुछ नहीं आई, वे का हाथ भी कुछ नहीं लगू और झंकुर भी मोर गई और वीर रणु रौत भी। या थी वीर भड़ रणु रौत की कहानी, जिससे हमें सबक मिलता है कि कभी किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, उसका नुकसान खुद भी उठाना पड़ता है।
कहानी कैसी लगी जरूर बताएं, और हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। समन्या, नमस्ते, पैलागू।